फर्स्ट ईयर की क्लास में एफएससी में एक सर ने मुझे डिवाइड वर्ल्ड लिखा, तो मुझे डिवाइड का मतलब नहीं पता था कि डिवाइड का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जाके डिवाइड का मतलब देखे। अब मेरी टोटी एजुकेशन उर्दू मीडियम थी, मैं गांव में रहता था, मुल्तान में, लोअर पंजाब बैकवर्ड एरिया में। अब जब मैं आगे फर्स्ट ईयर में जाता हूँ तो मुझे टोटली इंग्लिश मीडियम, और मुझे समझ ही नहीं है कि इंग्लिश मीडियम है क्या। अच्छा, साइंटिस्ट जो होते हैं ना, ये एक विजन से बनते हैं, और विजन जो होता है इंसान को यही ऊपर लेके आता है। पाकिस्तान के अंदर जो विजन है वो है जॉबलेस, यानी हमने कोई भी एजुकेशन हासिल करनी है, आपने सिर्फ जॉब करनी है। देखिए, डॉक्टर इंजीनियर को निकाल के और भी दुनिया में इतने पैशन है, उनको बताने हैं कि ये चीजें पैशन क्रिएट आप लोगों ने किस तरह करने हैं। तो सिंपल हल यही है कि इसकी मैं छोटी सी मिसाल देता हूं कि आप सिलेबस चेंज करें, कोई इशू नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग बोलते हैं बेस, वो जैसे कैम्ब्रिज का सिलेबस है, जैसे कैम्ब्रिज के पेपर लोग लेते हैं, वही फार्मूला अपनाया जाए पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि वो सक्सेसफुल फार्मूला है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अलकुमा मलिक और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। तो नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान में, हमारी पूरी दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर्स की कितनी ज़रूरत है और ये कितना अहम किरदार अदा करते हैं। तो ऐसे ही एक बहुत पाकिस्तान के नामवर मोटिवेशनल स्पीकर इसरार अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो एजुकेशनल हो या कोई भी मामला हो उसको बहुत तरीके से बात करके हल कर लेते हैं। आइए जानते हैं मज़ीद इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम इसरार। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत मुश्किल से टाइम मिला आपका। थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा इंट्रोड्यूस करवाया। आपने स्पेशली एजुकेशन के लिहाज से कहा है कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन कितनी मैटर करती है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कहता हूँ कि जब हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक बम गिराया गया तो जापान के लोगों ने ये फैसला कर लिया कि अब हमारा जापानीज़ जो कौम है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। तो जापानीज़ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, एजुकेशन को। अगर एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे तो हम पूरी दुनिया के ऊपर जैसे हमारा पहले नाम था वैसे ही पैदा होगा। आफ्टर 30-40 ईयर्स के बाद देखें कि जापान ने 1980 में 85 में कितना बड़ा नाम पैदा किया। तो एजुकेशन जो है ये मोस्ट वेपन है, जैसे नेल्सन मंडेला ने कहा था, एजुकेशन इज अ मोस्ट वेपन, यू कैन चेंज ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो एजुकेशन बहुत मैटर करती है। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजिंग आ रही है ये आज हम इसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये आपने बहुत खूब कहा है, इसके अलावा एक ये भी जिक्र था एक जगह पर कि अगर किसी कौम की बर्बादी चाहते हो तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है, तालीमी निज़ाम को दरहम बरहम कर दिया जाए। मतलब तालीम हमारी ज़िंदगियों में इतनी इंपॉर्टेंट है, इतना अहम किरदार करती है, लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती। इसरार, ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में तालीम को इतना ख़ास नहीं समझा जाता? अच्छा, ये बड़ा एक कॉमन सा सवाल है, हर जगह पे जहाँ पे मैं सेशन कर रहा होता हूँ डिफरेंट जगह बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर पाकिस्तान की एजुकेशन आज तक इम्प्रूव क्यों नहीं हुई है, यानी कॉमन सवाल या निशान आता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक छोटा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ स्पेशली पाकिस्तान की एजुकेशन के लिहाज से। जब मैं आई बिलोंग टू मुल्तान, मैंने मास्टर फिजिक्स में किया, तो मुझे पहले ओ लेवल ए लेवल का कोई आइडिया नहीं था कि कैम्ब्रिज का सिलेबस भी कुछ होता है। अच्छा, जैसे मैं लाहौर शिफ्ट हुआ तो मुझे यहाँ पर पता चला कि पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो इमरान खान जैसे कहते हैं कि एक से दो हिस्सों में डिवाइड हुई है, यहाँ पे मैंने देखा कि चार हिस्सों में डिवाइड हुई है पाकिस्तान की एजुकेशन। अब जो हमारे जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिहाज से है, इस्लामिक वाले और एजुकेशन, इसके बाद पीटीपी बोर्ड यानी पंजाब टेक्सटबुक बोर्ड और कैम्ब्रिज वाले और, मैं हैरान होता हूँ कि फिर पाकिस्तान की एजुकेशन क्यों नहीं ठीक हुई। जब मैंने डिफरेंट जगह पे सेशन किए, यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल्स में, कॉलेजेस में, लाहौर में आके, तो मैंने एक चीज़ जज की, और वो चीज़ ये जज की कि जो पाकिस्तान की एजुकेशन है ये ठीक आज तक इस वजह से नहीं हुई कि जो पाकिस्तान का जितना भी एलीट क्लास का तबका है ये कैम्ब्रिज का सिलेबस करता है। इसकी मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि इमरान खान की लोग एजुकेशन पूछे एचिसन से पढ़े। अच्छा, जो मुराद रास है जो पंजाब के हैं, ये भी एचिसन से पढ़े। अब एचिसन का मतलब, एचिसन का तो सारा सिलेबस कैम्ब्रिज का है, पीटीपी बोर्ड का तो इनको पता ही नहीं है। तो मुझे यहाँ से समझ आया कि पाकिस्तान की एजुकेशन इस वजह से ठीक नहीं हुई आज तक, क्योंकि जो अलीट क्लास का तबका है ये बच्चों को, अपने बच्चों को स्पेशली पढ़ाता ही कैम्ब्रिज ओ लेवल ए लेवल के सिलेबस है, और हमारे बच्चे जो हैं पीटीपी बोर्ड जैसे पंजाब टेक्सटबुक बोर्ड है, वो रट्टा लगा लगा के अपना फ्यूचर तबाह करते, तो उन्हें आइडिया नहीं होता कि आगे हमने किस फ्यूचर में जाना है। सो यही मेन रीज़न है कि जो पाकिस्तान की एजुकेशन आज तक ठीक नहीं हुई। अच्छा, तो आप अगर पाकिस्तानी और फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में जिक्र करें तो मतलब किस तरह से आप कैसे डिस्कस कर सकते हैं इस चीज़ को, किस तरह से आप कवर करना चाहेंगे कि दूसरी एजुकेशन हमारे लिए इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है? अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि एजुकेशन की लैंग्वेज से कितना मैटर करता है। आपको मैं अपना सच एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर की क्लास में एफएससी में, एक सर ने मुझे डिवाइड वर्ल्ड लिखा,
तो मुझे डिवाइड का मतलब नहीं पता था कि डिवाइड का मतलब क्या होता है। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जाके डिवाइड का मतलब देखे। अब मेरी टोटी एजुकेशन उर्दू मीडियम थी, मैं गाँव में रहता था, मुल्तान में, लोअर पंजाब बैकवर्ड एरिया में। अब जब मैं आगे फर्स्ट ईयर में जाता हूँ तो मुझे टोटली इंग्लिश मीडियम, और मुझे समझ ही नहीं आया कि इंग्लिश मीडियम है क्या। अच्छा, मुझे वहाँ पर समझ आई कि पाकिस्तान के लोग बेचारे तरक्की क्यों नहीं करते। हमारे जो लाहौर के जितने भी मैं कहता हूँ कि फेमस पॉलिटिशियन लगा लें, एजुकेशनिस्ट लगा लें, कुछ भी लगा लें, अच्छा ये कंपेयर लाहौर में बैठ के कर रहे होते हैं, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। आप यहाँ पे प्रॉब्लम आती है एजुकेशन की लैंग्वेज की। देखिए, लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज इतनी ज़्यादा मैटर करती है कि अभी आप लोअर पंजाब में चले जाएं, लोअर पंजाब के बच्चों से डिस्कस करें, उन बेचारों को, उनके जो पुराने टीचर हैं चाहे नए टीचर भी हैं, इंग्लिश बेचारों को खुद नहीं पढ़ानी आती और हमारी सारी एजुकेशन इंग्लिश में आ जाती है। लेकिन अगर आप लोग अपर क्लास के, लीड क्लास के तबका, जिसे हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, वो एजुकेशन हासिल करते हैं, डेफिनेटली बात है वो 40-50 हज़ार केजी की फीस भरते हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों में चले 40 रुपये नहीं भरते। तो एजुकेशन का जो डिफरेंट है वो लैंग्वेज में बहुत मैटर करता है। लेकिन मैं एक अक्सर अपने आप से सवाल पूछता होता हूँ कि चले ठीक है, पाकिस्तान के लीड क्लास का तबका जो है ये एजुकेशन बहुत अच्छी हासिल कर रहा है, लेकिन नहीं इसरार, जो हमारे लीड क्लास का तबका है उनको उर्दू नहीं आती, उनको पंजाबी नहीं आती, उनको इंग्लिश के अलावा फिर कुछ नहीं आता। अच्छा, ये बड़ी अच्छी किसी ने बात की मुझे, एक कि बिजगाज मोटिवेशनल स्पीकर की, वैसे डिफरेंट किताबें पढ़ता रहता हूँ, तो स्टीफन की मुझे एक बड़ी कमाल की बुक लगी। उसने कहा कि किसी कौम को बर्बाद करना हो ना, उसको एक ऐसी लैंग्वेज पे लगा दीजिए जिसको कुछ आइडिया ही ना हो। अब जैसे आप लोग इसको, हम लोग बच्चे अक्सर, मैं जब सेशन दे रहा होता हूँ तो उनको बर्गर बॉय बोलते हैं। सर, वो जो बर्गर बॉय हैं, लड़की हैं, वो सिर्फ उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल रहे होते हैं। देखिए, रीज़न यही आ रही है कि एजुकेशन के अंदर लैंग्वेज कितना मैटर करती है। आपकी टोटली एजुकेशन जो है आगे आके इन फ्यूचर जो है वो जब इंग्लिश में आती है, जो 10 साल आपने पढ़ी है, जो बेस बनाई है, अब उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं उर्दू में तालीम हासिल करूं, इंग्लिश में करूं। अच्छा, यहां पे सवाल ये आता है कि फिर इन चीजों को मैनेज किस तरह किया जाएगा। मैं कहता हूं कि लैंग्वेज डज नॉट मैटर, चले जो होना था वो पाकिस्तान के एजुकेशन में होगा। यहां पे आती है प्रॉब्लम जहन की, माइंड किस तरह चेंज होगा। जैसे आपने फॉरेन कंट्री की बात की है, फॉरेन कंट्री के अंदर जो बच्चा है वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनता, उसका पैशन जो है वो बेसिकली उसका खुद होता है, जो वो खुद बनना चाहता है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जब बच्चा पैदा होता है, माँ कहती है ले पुत्र तू डॉक्टर बनेगा, ले पुत्र तू इंजीनियर बनेगा। यानी प्रॉब्लम मैं कहता हूँ कि लैंग्वेज की इतनी ज़्यादा नहीं आ रही। लैंग्वेज इंसान 2-4 साल में सीख जाता है, इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज। प्रॉब्लम आती है कि इंसान का जो जहन है, जो आपने डेवलप करना है, उसको किस तरह चेंज करना है, जहाँ पे वो प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इसके अलावा इसरार, हमने ये बहुत ज़्यादा कैटेगरीज बना ली हुई हैं अपने माइंड सेट में कि एक बच्चा इंटेलिजेंट है तो वो साइंस ही लेगा, ठीक है, एक बच्चा नालायक है तो वो आर्ट्स ही लेगा, जबकि हम ये चीज़ नहीं सोचते कि वो डॉक्टर बनना चाहता है तो इसलिए उसने वो चीज़ ली है। क्योंकि हम अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहते, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हमने डॉक्टर नहीं बनना तो आई गेस कि हम बायोलॉजी सेलेक्ट ना करें, क्योंकि इस तरह किसी का हक मारा जाता है। जिन्होंने डॉक्टर बनना है वो अपने नंबर की बेस पर, अपने मेरिट की बेस पर उस साइड पर नहीं आ पाते, और हम जो हैं, हम अपने आप को सिर्फ यही साबित करने के चक्करों में डॉक्टर, यानी डॉक्टर की फील्ड बायोलॉजी या इंजीनियरिंग के लिए कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, फिर बाद में हम जॉब्स भी नहीं करते। ठीक है, इल्म बहुत बड़ी बात है, आपने सीखना है, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड्स हमने क्रिएट कर दी हैं कि नहीं जी, जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो साइंस वाली साइड पर जाएगा, ये इस किस तरह इस चीज़ को ख़त्म किया जा सकता है? अच्छा, ये इसका ना बड़ा मैं सिंपल आसान जवाब देता हूँ कि मैं डिफरेंट, मैंने यही बात की कि सेशन जब कर रहा होता हूँ, मैं आखिर में सबसे पूछता होता हूँ कि अगर आप बी कॉम या एम कॉम कर रहे हो, मुझे ईमानदारी से बताओ कि बचपन से आपने सीखा था कि आप एम कॉम करोगे? 99.9% लोगों की यही जवाब होता है, सर हमारा किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ और हमने अप्लाई किया, यहाँ पर एडमिशन हमारा हो गया। अच्छा, यहाँ पर फिर साइंटिस्ट क्यों नहीं बनते? आपने साइंटिस्ट वाली बात की। देखिए, साइंटिस्ट जो होता है, कभी आप आइंस्टाइन की अगर हिस्ट्री पढ़ें, आइंस्टाइन 25 साल अपनी लाइफ में फेलियर ही रहा, उसके पास ऐसा कुछ, अब मैं कहता हूँ जब उसमें बायोग्राफी पढ़ता था, मुझे लगता है कि ये साइंटिस्ट कहाँ से बनने वाला है। अच्छा, साइंटिस्ट जो होते हैं ना, ये एक विजन से बनते हैं, और विजन जो होता है इंसान को यही ऊपर लेके आता है। पाकिस्तान के अंदर जो विजन है वो है जॉबलेस, यानी हमने कोई भी एजुकेशन हासिल करनी है, आपने सिर्फ जॉब करनी है, तो साइंटिस्ट बनना नहीं है। उन्होंने अगर देखें, पीएचडी के स्टूडेंट से पूछेंगे पीएचडी क्यों कर रहे हैं, वो कहेंगे मैं यूनिवर्सिटी में अच्छा प्रोफेसर बनने के लिए, मैं अच्छी अपनी एजुकेशन इंप्रूव कर रहा हूँ। आप उससे पूछें आपने पीएचडी क्यों की है, और वो ये नहीं कहेगा कि मैंने साइंटिस्ट बनने के लिए किया, वो कहेगा मैं अच्छी जॉब हासिल करूं। देखिए, जब आप एक क्रिएशन माशे के अंदर जॉब को डेवलप कर रहे होंगे किसी एक पॉइंट के साथ, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो साइंटिस्ट जो होते हैं, मैं कहता हूँ कि साइंटिस्ट इंसान हमेशा विजन से बनते हैं, और विजन कौन क्लियर करते हैं, हमारे उस्ताद कहते हैं कि आपने साइंटिस्ट किस तरह बनना है। आप इस तरह एजुकेशन, ये अगर आप समझ लेंगे, अपने एमफिल के लिए, पीएचडी के लिए, आप इसी से साइंटिस्ट बन गए, इसी के साइंटिस्ट नहीं बनता। आप कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट ले, अनपढ़ लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं।
तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल काम है। अच्छा इशार, आपकी बात से मुझे एक बात याद है, किसी ने खूब कहा है कि जिस कौम में इल्म हासिल इसीलिए किया जाए सिर्फ नौकरी की तलाश के लिए, नौकरी के हसूल के लिए, वहाँ पर लीडर नहीं वहाँ पर गुलाम पैदा होते हैं। तो इसमें कितना आपको सच्चाई नज़र आती है इस बात में, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत इतफाक़ करती हूँ कि जब हम नौकरी की तलाश करते हैं ना, हम इल्म हासिल नौकरी के लिए करते हैं, हम इल्म को हासिल करने का नहीं सोचते, हम कहते हैं डिग्रियाँ ले लो जॉब मिल जाए। कितना इस चीज़ की सच्चाई आपको नज़र आती है? अच्छा ये ना बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाता है, जब भी कोई मुझसे पूछता है मैं इसकी सारी एक एक जड़ बताता हूँ, एक सिर्फ एक जड़। मैं कहता हूँ हमारे उस्ताद हैं। अब सारे परेशान हो जाते हैं कि हमारे उस्ताद किस तरह हैं। अच्छा इसके मैं कोई रिसर्च की बात बताता हूँ। 2017 के अंदर यूएनओ बेस पर एक रिसर्च हुई और रिसर्च के अंदर ये पता करवाया गया कि एजुकेशन चेक करते ओवरऑल कंट्रीज़ की 130 ममालिक की कंट्रीज़ की रिसर्च बेस पर चेक किया गया कि एजुकेशन सबसे किसकी अच्छी है, तो पाकिस्तान का इमेजिन करें 125 नंबर था। अच्छा मैं बड़ा हैरान हूँ कि 125 नंबर किस वजह से आया। उन्होंने बड़ी कमाल की बात की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का 125 नंबर इस वजह से है कि जो पाकिस्तान का टीचर है, जो पाकिस्तान का उस्ताद है, बच्चों को मार्क्स के मुतालिक बताता है, वो बच्चों को जॉब के मुतालिक बताता है, बच्चों को फ्यूचर के मुतालिक नहीं बताता। अच्छा ये मैं अपनी लाइफ में कंपेयर करूँ, मैंने कोई 16 साल एजुकेशन हासिल किया, 16-17 साल, आई स्वेयर ऑफ अल्लाह मैं कसम उठा कहता हूँ कि मेरा कोई भी ऐसा टीचर जिसने आज तक मुझे ये नहीं कहा कि बेटा आप अच्छे मार्क्स लोगे आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, हमेशा यही वर्ड बोला। आज तक मेरे किसी टीचर ने ये नहीं कहा कि आप अच्छा पढ़ोगे आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, आप पूरे पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा लीडर बन के दिखाओगे, अब ऐसा कुछ काम करोगे, वो हमारे टीचर उस्ताद करते ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे सारी बातें यही कह देता हूँ कि जैसे मैंने पहले पिछले सवाल में यही बात की कि माइंड चेंज बड़ा मैटर करता है, हम लोगों ने बेसिकली जहन चेंज करना है और जहन चेंज कौन कर सकते हैं, वो हमारे उस्ताज़ काम कर सकते हैं, हमारे उस्ताद जो हैं वो जॉब प्रोवाइडर भी बनवा सकते हैं और हमारे उस्ताद लीडर बना सकते हैं। अगर उस्ताद की अगर ट्रेनिंग की जाए, माइंड का चेंज किया जाए, तो मैं कहता हूँ कि 15-20 साल में पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर उभर आएगा ऐसे। अच्छा इसरार, अभी आप एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर बात कर रहे थे, तो रिसेंटली कितने ज़्यादा बच्चों को, मतलब आज तक तीन साल कह ले, बिल्कुल यार सौ वाली बात कर रही हूँ कि 3-4 सदियाँ गुजर गई लेकिन आज तक ऐसे नहीं हुआ कि 1100 में से 1100 नंबर, मतलब वो भी इतने बच्चों की, तो ऊपर से कोविड के बाद जो कभी स्कूल जिन्होंने देखा नहीं है, कॉलेज की शक्ल नहीं देखी उन बच्चों की, तो आप ऊपर से फिर वो पंजाब यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट में फेल हुए, तो कैसे 1100 में से 1100, मतलब इतनी हमारी मार्किंग इतनी फजूल है कि आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें, मैं मजीद इस पर डिस्कस नहीं करना चाहती। अच्छा ये ना बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल है, जो भी कोई मुझसे पूछते हैं ना 1100 बटा 1100 नंबर। एक बार जब मैंने पहली बार, जब मुझे अभी तक याद है कि सेकंड ईयर का रिजल्ट आया और ये मैट्रिक का 10th क्लास का रिजल्ट है, 1100 की लाइनें लगी हुई थी। अच्छा मैं बड़ा खुश होता और फिर मैंने देखा कि ना पहले ऐसा होता था कि कभी कोई बोर्ड टॉप करता था ना, तो हर इदारे वाला अपने ना पोस्टर लगवा के, पेन फ्लेक्स छुपवा के, पता नहीं कितने कितने एडवर्टाइजमेंट करता था। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ 1100 नंबर होते हैं, हर बंदे के कोई भी नहीं कर रहा। अच्छा इसके ड्रॉबैक्स क्या, मैं इसकी रीज़न बताता हूँ। अगर ये हुकूमत ऐसा ना करती ना, इसकी सच बात, मुझे कल एक टीचर बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि बच्चों ने एजुकेशन को ही छोड़ देना था, क्योंकि 1.5-2 सालों से बच्चे एजुकेशन हासिल कर ही नहीं रहे थे। हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी अपना कुछ, देखें लालच इंसान को पैसा खरीदता है, तो इंसान फिर और पैसा कमाने की लालच करते। तो हुकूमत ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि इनको इस बार ज़्यादा मार्क्स दिए जाएँ, लेकिन इसकी रीज़न क्या है, आगे देखिए इन फ्यूचर क्या हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। जैसे आपने बात की एंट्री टेस्ट की, एंट्री टेस्ट के अंदर क्या इशू आता है, मैंने पहले बात ये की थी कि जो हमारी पाकिस्तान की एजुकेशन है, जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, ये जितना अच्छा रट्टा लगाओगे आप कितने अच्छे मार्क्स आएंगे। जब एंट्री टेस्ट की बात आती है, एंट्री टेस्ट छोटी कॉन्सेप्ट बेस होता है, वहाँ पे MCQs बेस होते हैं, तो वहाँ पे आके बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो मैंने यही बात कर रहा हूँ कि एजुकेशन जो है, अगर एजुकेशन को ठीक कर दिया जाए, तो पाकिस्तान के जो डॉक्टर ये जो आप टेस्ट दे रहे हैं, हर बच्चे से टेस्ट पास हो जाए। टेस्ट को रखने का फॉर्मूला, देखिए डॉक्टर क्यों नहीं बनाए जाते, इसी वजह से बनाए जाते हैं कि डॉक्टर के लिए MD CAT, उन्होंने टेस्ट एक इसका एप्लीकेबल करवा दिया। रीजन यही आती है कि वो कॉन्सेप्ट बेस होता है, तो यहाँ पे बच्चा जो बेचारा फंस जाता है। अब 1100 बटा 1100 ने डेफिनेटली रट्टा लगाया था, बाद में अगर रट्टा नहीं लगा तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि डेफिनेटली फेल हुआ होगा। अच्छा इस तरह की तलीमी निज़ाम जो पाकिस्तान का, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? बात को मुख्तसर करते हैं और इधर टॉपिक को इनकेट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा सर। अच्छा देखें ये बहुत अच्छा सवाल है कि इसको एजुकेशन को हम किस तरह ठीक कर सकते हैं। एजुकेशन को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो ये कि एजुकेशन को चेंज करना चाहिए। इसके रीज़न क्या है, मैं अपने टीचर से पूछता हूँ, वो कहते हैं कि हमने भी यही सिलेबस पढ़ा है। अगर उनसे पूछते हैं कि हमसे पिछले टीचर पूछे, वो कहते हैं FPSC का सिलेबस यही है। अच्छा देखिए कोई 25-30 साल से एक ही किताब को बार बार पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे बताएं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हमारा एजुकेशन सेक्टर वहीं पे बैठा है। सबसे पहले एजुकेशन निज़ाम ठीक करना है, और दूसरा जैसे मैंने कहा ना कैम्ब्रिज का सिलेबस है, वहाँ पे एक टॉपिक को ही भी, जैसे सिंपल मैं फिजिक्स का टॉपिक लेता हूँ, फोर्स के मतलब ले लेता हूँ, तो फोर्स की वो डेफिनेशन ही पूछेंगे, फोर्स के कॉन्सेप्ट में सवाल पूछेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स की डेफिनेशन पूछी जाती है। तो सेम एज इट इज़ पाकिस्तान की जो एजुकेशन है, इसको रट्टा सिस्टम से हटा के कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी पे लेके आए, और एक दिन आएगा कि पाकिस्तान की जो स्टडी है, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर ऊपर होगी।
सिर्फ एक यही लॉजिक है, एजुकेशन का सिलेबस चेंज करें और सिलेबस चेंज करने के बाद रटा सिस्टम खत्म करें, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करें, पाकिस्तान देखें, कुछ ही सालों में इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा, स्टार गवर्नमेंट ने अब ये हुक्म दिया है पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को सेम करने के लिए कि जितना भी मतलब हमारी बुक्स हैं वो सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ही पढ़ेगा, उसके अलावा कोई अलहदा से सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, वो ऑक्सफोर्ड भी खत्म कर दिया जाएगा, सब कुछ सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चलेगा, ये फैसला आपको कैसा लग रहा है? अच्छा देखिए, फैसला तो बहुत अच्छा है बट सवालिया निशान वहीं पे आ जाता है कि अगर आपने किताबें ही चेंज करके जैसे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को लेके आए कि रट्टा लगा के ही पास करना है तो उसका क्या फ़र्क हुआ? आप जितनी मर्जी किताबें चेंज करते रहें, हर साल चेंज करते हैं, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, बट फर्क वहीं से पड़ेगा कि आप अगर देखिए इससे जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, मैं कहता हूँ कि एजुकेशन चेंज होगी, कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी होगी, लेकिन जो दूसरा फैक्टर है वो हम लोगों ने अपने पेरेंट्स का और टीचरों का जहन चेंज करना है। देखिए डॉक्टर इंजीनियर को निकाल के और भी दुनिया में इतने पैशन है, उनको बताने हैं कि ये चीज़ें पैशन क्रिएट आप लोगों ने किस तरह करने हैं। तो सिंपल हल यही है कि इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि आप सिलेबस चेंज करें कोई इशू नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग बोलते हैं बेस, वो जैसे कैम्ब्रिज का सिलेबस है, जैसे कैम्ब्रिज के पेपर लोग लेते हैं, वही फार्मूला अपनाया जाए पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि वो सक्सेसफुल फार्मूला है। और दूसरी बात यह है कि पेरेंट्स का स्पेशली माइंड चेंज किया जाए, जैसे काउंसलिंग के सेशन बुलाए जाएं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में, आई होप कि ऐसे हो रहे हैं लेकिन सारे इंस्टीट्यूट में ऐसे नहीं कर रहे, तो ये हमें पेरेंट्स को खुद से भी सोचना चाहिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि एजुकेशन में पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, जब तक उनकी उनका जो माइंडसेट नहीं चेंज होगा तब तक बच्चे के माइंड में वो रिएक्ट नहीं करेगा स्टडी का, एजुकेशन का, फ्यूचर का, जब तक पेरेंट्स का माइंड नहीं चेंज होगा तब तक बच्चे का चेंज नहीं हो सकता? एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए पेरेंट्स के साथ टीचर भी बहुत मैटर करते हैं। दो देखिए, एक ट्राइकोन अगर आप बोले ना, जैसे एक रेक्टेंगुलर की शेप बोलते हैं, आप रेक्टेंगुलर चार कोने बनाते हैं, तो जो बेसिकली दो ट्राइकोन जिसे हम लोग बोलते हैं वो पेरेंट्स और टीचर हैं। बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम, मैं हमेशा कहता हूँ कि सुबह बच्चा बेचारा 8 बजे निकलता है सुबह स्कूल से, मॉर्निंग में उठता है वो, पहले स्कूल जाते हैं फिर एकेडमी जाते हैं, रात के 9 बज जाते हैं, पेरेंट्स के पास कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं? पेरेंट्स उसको मेंटली सही कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अहम रोल है वो दोनों का, ये टीचर्स और पेरेंट्स, अगर दोनों का माइंड चेंज हो जाए तो पाकिस्तान एक दिन आएगा जैसे चाइना सक्सेसफुल है, एक दिन पाकिस्तान भी इंशाल्लाह ऐसे सक्सेसफुल होगा। बहुत शुक्रिया, ये थे आज हमारे साथ इसरार अहमद, मोटिवेशनल स्पीकर। मजीद इनसे जानेंगे, मजीद बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इसरार की वीडियोस देखें ताकि आपको एजुकेशनल सिस्टम के बारे में मजीद मालूमात मिल सके। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इसके अलावा हर तरह का जितना भी बच्चों को लेकर, पेरेंट्स को लेकर काउंसलिंग, उनके ऊपर बातचीत करते हैं और बहुत बेस्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं इसरार मजीद आपके साथ फिर मिलेंगे नए टॉपिक पे नई तरह। अल्लाह हाफिज़।